अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है आना उसका जो टिकट काटते हैं उसका। तो अभी हमने आपको मिला एक अमीर बच्चे से जो यहाँ पर त्रिकुटा नगर में मूंगफली बेचता है। तो ऐसे ही बहुत ज़रूरी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ स्ट्रेट लाइन न्यूज़। जैसा कि ये बहुत अमीर बच्चा है, स्ट्रेट लाइन न्यूज़ रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट रिसेंटली डाली है, तो उसके बारे में बनाने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे जर्नलिज्म के नाम पे क्या कुछ हो रहा है। अब हम पूरे वीडियो का एनालिसिस करेंगे, आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ साथ। ये मूंगफली का ठेला यहाँ पर क्यों है, कब आया, किसने लाया, किस समय लाया और क्यों लाया? तो इतने सारे सवाल मैंने सुने तो मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो मैंने आगे वीडियो को देखा और क्या कुछ इसमें पता चला। अब आप जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ ये त्रिकुटा नगर का एरिया है और मेरे साथ यहाँ पर एक मूंगफली का ठेला है। ये मूंगफली का ठेला यहाँ पर क्यों है, कब आया, किसने लाया, किस समय लाया और क्यों लाया, ये जानकारी पूरी हम जैसे कि इन्हें पता ही नहीं है कि मूंगफली का ठेला किस लिए होता है। अरे भाई, वो बेचने के लिए होता है और किसके लिए, ये जानकारी पूरी हम लेंगे यहाँ पर। ये मूंगफली का ठेला आपका? यस सर। कितने बजे आते? 12 बजे। 12 बजे क्यों आते? 12 बजे पापा बोलते जाओ। सुबह के 12 बजे, शाम के 12 बजे? हाँ, सुबह के 12 बजे, शाम के? सुबह के 12 बजे। 11 बजे क्यों नहीं आते? सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों नहीं आते? 11 बजे तैयारी करते, रात के 12 बजे तैयारी पहले क्यों नहीं करते? अरे भाई, दिन के 12 तो दिन के 12 आता हूँ। खाना कितने बजे खाते हो? हाँ, 9 बजे। उठते कितने बजे? हाँ, 8 बजे। ये मूँगफली कहाँ से लाई? ये लाइए उधर से, सिटी से। नाम क्या है? भारत। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। जम्मू में कहाँ रहते? जम्मू में शाम घर है। बिहार से जम्मू कैसे आए? बिहार से मेरे पापा के दोस्त ने लाया था। पापा ने नहीं लाया, दोस्त ने लाया? क्यों लाया? कमाने के लिए। बिहार में नहीं कमा सकते थे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर गरीबी होती है। गरीबी क्यों है वहाँ पर? वहाँ पर अच्छे से काम नहीं मिलता है, यहाँ बाहर। जब मैंने सुना ये बच्चे से इतना कुछ पूछ रही है तो आई थिंक सो कि मुझे लगा ये चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ बात करेगी या कुछ वैसा देखेगी। अब देखते हैं किस बारे में ये है। काम नहीं मिलता है, यहाँ बाहर कमाने आते थे। उम्र कितनी है? 13। यहाँ पर आप बेचते हो या कोई और बेचते? मैं बेचता हूँ, 4 बजे मेरा भाई आता है। 4 बजे क्यों, 3 बजे क्यों नहीं आता? क्योंकि वो काम करता है घर पे, मैं वो 4 बजे आता है। 4 घंटे मैं रहता हूँ, 4 घंटे मेरा भाई रहता है। आप क्यों नहीं घर पे काम करते? मैं इधर पे काम करता हूँ, तो फिर मैं जाता हूँ मंदिर। तो वो मंदिर नहीं जाता? नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो यहाँ पर आता है 4 घंटा। तो 4 घंटे के बाद क्यों नहीं जाता मंदिर? 4 घंटे तब रात हो जाती है। तो दिन में क्यों नहीं जाता? दिन में घर पे रहता है। अच्छा, ये जो आप मूँगफली बेच रहे हो, ये मूँगफली आप गर्म इसे करते हो? यस। और किसी से नहीं करते? ना। मैं आपको मैम नज़र आ रही हूँ। दीदी आती। मैम क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो। तो आप पढ़े, इसको सामने कुछ और दिख रहा है जैसे। अरे भाई, है सामने तो इसी से गर्म करेगा। मैं आपको मैम नज़र आ रही हूँ। दीदी आती। मैम क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो। तो आप पढ़े लिखे नहीं? अच्छा, जब आपके पास कोई मूंगफली लेने के लिए आता है उस टाइम पर जो बिना मास्क के आता है, क्या आप उसको भी मूंगफली देते? Yes, क्यों देते हो? कोरोना वायरस चल रहा है। जैसे इसने मास्क देना पड़ता है, तो जो लोग मूंगफली लेने के लिए आपके पास आते हैं और 10 रुपए की मूंगफली लेकर आपसे के साथ साथ में 2 रुपए की मूंगफली एक्स्ट्रा खा जाते हैं, उनको बोलते हो मारते वगैरह हो, पीटते नहीं? क्यों नहीं मारते पीटते? क्यों खाने दो, उधर से थोड़ी सस्ती लाते हैं, 2-3 मूंगफली खा देते हैं। तो 2-3 ही, और जो 4 खा जाता है उसके लिए क्या करते हैं? खाने देते हैं। बोलते कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोलते। मारते पीटते भी नहीं हो? नहीं।
क्यों नहीं कुछ बोल, क्यों नहीं मारते? क्योंकि 10 रुपए का हम 60 ग्राम क्या सवाल है, उसमें से कम से कम 10 ग्राम खा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये रेडी आपकी? हाँ। ये रेडी आप कहाँ से लेकर आते हो? ये पापा ने बनाई है, खुद बनाई है। हाँ। बाहर से क्यों नहीं खरीदी? बाहर से नहीं खरीदी, पैसे नहीं थे इसलिए। तुम्हें क्या तकलीफ है बाहर से खरीदे या खुद बनाए, इसमें तुम्हें क्या जा रहा है भाई? 190 रुपए किलो आता है, 90 रुपए किलो आता है मूंगफली। आप बेचते कितने का? 130 रुपए किलो। पीछे से आपको ज्यादा आता है, यहाँ से कम क्यों बेचते हो? ज्यादा क्यों नहीं बेचते? ज्यादा नहीं बेचते 30 रुपए, क्योंकि लोग नहीं लेते हैं। ये जो पॉपकॉर्न है ये कितने का? 10 रुपए की। और ये जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वैरायटी की, यहाँ पर मूंगफली के साथ साथ पॉपकॉर्न भी मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आपको गच्चक भी यहाँ पर मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर कितना सारा सामान है, पीनट्स भी जो है आपको वो भी यहाँ पर मिलेंगे। क्या क्या रेट है इन सब का? ये मिक्सचर है 200 रुपए किलो। आप कितने का बेचते हो? पीछे से कितने का आता है? पीछे से आता है 170-180। आप कितने का बेचते हो? 200 रुपए किलो बेचते हैं। 20 रुपए ज्यादा क्यों बेचते हो? 20 रुपए बेचते, ज्यादा नहीं बेचते। 20 रुपए ज्यादा क्यों बेचते हो? महंगा लोग लेते नहीं ज्यादा, तो आप तो महंगा करके बेच रहे हो। हाँ, तो थोड़ा सस्ता बेच रहे हैं। मतलब आप तो कह रहे थे कि आप 200 का बेचते हैं, पीछे से आपको 180 का आता है। 200 रुपए किलो बेचते हैं। 200 रुपए किलो आप बेचते हो, तो पीछे का कितना? लेकिन बच्चा बड़े स्मार्टली इसको आंसर दे रहा है, हम फिर भी सस्ता बेच रहे हैं, दैट मींस 20 रुपए आए। आपको भी पता है कि 20 रुपए उसका मार्जिन बनता है, तो वो तो रखेगा ना, वरना ठेला किस लिए लगाया उसने? अगर उसने ज्यादा का क्यों बेचना? क्योंकि हमारे लिए भी थोड़ा कमाई है। कितनी कमाई हो जाती है आपको? 400-500 हो जाते हैं। कितने लोग आते हैं दिन के? हाँ, कितने लोग आते हैं दिन के? कम से कम आ जाते होंगे 40-50 लोग। अच्छा, किसी दिन ऐसा हुआ कि 40-50 नहीं आए? नहीं हुआ, हुआ है। बारिश वाले दिन नहीं आते ज्यादा। उस दिन आप क्या करते हो? उस दिन हम अंदर कर लेते हैं रेडी, तो घर चले जाते हैं। अंदर कहाँ करते हो? इधर रहते हो आप? नहीं, वो उधर रहते हैं, ये सामने जो कांच वाली घर है ना इधर की, तो उधर क्यों इशारा किया? वहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो सामान गीला हो जाता है, इसीलिए वहाँ रहते हैं। तो उधर क्यों नहीं लेकर जाते? उधर पे नहीं ले जाते हैं, पापा ने बोला यहाँ पर लगाना, वहाँ पर नहीं। पर घर तो आपका वहाँ है ना? घर है तो यहाँ मेन रोड है, तो यहाँ ज़्यादा लेते हैं बंदे। अच्छा, कमाई आपको कितनी बताई आपने? कमाई कितनी होती है? 400-500 हो जाती है। तो उस कमाई का क्या करते हो? पापा को देते हैं। खुद के लिए कुछ नहीं देते? पापा खुद देते हैं। तो जिस दिन 400-500 नहीं हो उस दिन क्या करते हो? उस दिन घर चले जाते हैं। ऐसे रेडी आप यहीं पर क्यों लगाते हो? क्योंकि यहीं पर ही पापा ने बोला कि यहाँ पर ही लगाना। और कहीं पर क्यों नहीं लगाते? सिटी में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मैं रेडी में चला नहीं पाता, इसीलिए। पापा तो चला पाते हैं? तो पापा जाते हैं। तो मतलब आप यहाँ से कहीं और भी रेडी लेकर जाते हो ना? नहीं, मैं यहीं पर रहता हूँ। आप तो कह रहे थे कि पापा लेकर जाते हैं रेडी। पापा लेके जाते हैं, दूसरी रेडी है वो पापा लेके जाते हैं। अच्छा, आपके पास 2 रेडी हैं? हाँ। और कितनी रेडी है? बस 2 ही है। अच्छा, एक पापा लेकर जाते हैं, एक आप लेकर जाते हैं। हाँ। अच्छा, छोटा भाई क्या करता है आपका, वो नहीं आता है? छोटा भाई अभी पानी भर रहा है। अच्छा, पानी भर रहा है, आप नहीं भरने के पानी? नहीं। अच्छा, आप जो कमाई होती है उसका आप टैक्स भरते हो? टैक्स ना। क्यों नहीं भरते हो? टैक्स भरना तो जरूरी है ना। कोई आता ही नहीं टैक्स मांगने, कोई नहीं आता? आप खुद भी नहीं भरते? ना, टैक्स खुद भरना होता है। पूछा जा रहा है टैक्स भरते हो या नहीं, मतलब वो भी सिर्फ 500 की इनकम पे। मुझे लगता है इस रिपोर्टर से ये बच्चा काफी होशियार और चला है। आप अमीर हो इसका मतलब, फिर 400-500 कमाई होती है आप? हाँ, थोड़े अमीर है। थोड़े अमीर? कितने अमीर? थोड़े थोड़े मतलब जैसे अभी घर नहीं बना है, घर बना रहे हैं। अच्छा, कितना बन गया घर? हाँ, अभी घर बन गया 2 मंजिल, 1 मंजिल का। मतलब आप मानते हो ना आप अमीर हो? मतलब आपने कभी अपने आप को गरीब समझा ही? क्यों नहीं समझा? क्योंकि हमें यहाँ पर रेडी लगाते थे, हमको थोड़ा पैसा हो जाता है, तो हमारा जमीन है इसीलिए। जमीन भी है आपके पास? कहाँ पे? बिहार में। तो आप अपनी जमीन छोड़ के यहाँ आए हो? हाँ, कमाने के लिए। तो उधर ही क्यों नहीं कमा लिया? वहाँ पर नहीं होता कमाई ज्यादा। कितनी जमीन है आपकी बिहार में? कम से कम इतनी होगी। इतनी कितनी होगी? मतलब ये कमरा ना, कमरे से लेके यहाँ तक होगी। ये कमरा कितना है? हाँ, ये कमरा कितना है? कमरा छोटा ही, इतना बड़ा नहीं। ये कमरा छोटा आपको कैसे पता? मेरे को पता है कि छोटा है, इसलिए मैंने देखा अंदर जाके। किसका है ये कमरा? हाँ, ये कौन से अंकल का है? हाँ, कौन से अंकल का है वो, जो नाम नहीं पता उनका। आप उनको जानते हो? हाँ। पर यहाँ तो शटर लगा ना अभी। हाँ, तो दुकान बंद करके गए हैं, उनके पापा बीमार है इसलिए। पर आपने तो कहा अंदर कमरा है। हाँ, है अंदर। तो आपने तो कहा भी ये दुकान है? दुकान, हाँ दुकान है, कमरे उन किराए पे लिए हुए हैं। तो
आपने तो कहा दुकान है, अभी आप कह रहे हो कमरे, क्या है दुकान है कमरे? दुकान है उसके जो टिकट काटते हैं उसके। तो अभी हमने आपको मिला एक अमीर बच्चे से जो यहाँ पर त्रिकुटा नगर में मूंगफली बेचता है। तो ऐसे ही बहुत जरूरी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ स्ट्रेट लाइन न्यूज़। इस सारे वीडियो में मैंने ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना था मुझे आखिर पे। अब आपने ये वीडियो सुना होगा तो अफसोस तो होता है कि जब जर्नलिज्म के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ बताने के लिए नहीं है या कुछ दिखाने के लिए नहीं है। जब एक मैं इनको काफी अच्छा स्ट्रेट लाइन वालों को समझता था क्योंकि बहुत अच्छी ये स्टोरीज रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन रिसेंटली जब ये मैंने देखी तो मैं टोटली इससे डिसअपॉइंटेड हो गया। लेकिन अब ये आप तक है कि आप इसको कैसे देखते हैं, आप अपना व्यू भी मेरे साथ शेयर किया करें। और बाकी अगर ऐसे आपको वीडियो देखने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊं वो आप तक पहुंचे। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टोटली इग्नोर करें। मेरे हिसाब से अगर इग्नोर नहीं करते तो हम क्या करें कि इन वीडियोस को शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि हम बहुत शेयर करते हैं और ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं। अगर हमारे पास रिव्यूज होते हैं तो अगर ये रिव्यूज का कोई ऑप्शन है तो हम जाके इनके पेज पे इनको रिव्यूज दें कि भाई ऐसे ऐसे जर्नलिज्म के नाम पे हो क्या रहा है। वैसे हमारे बस में यहाँ होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। और थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने।